आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मेरे साथी कॉर्पोरेटर्स, कांग्रेस के इंडिपेंडेंट डीएपी, आज हमारी जनरल हाउस की मीटिंग थी जहां जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और जब हाउस लगा तो मेयर साहब ने अपनी तरीफ के पुल बांधे। मैंने बहुत काम किया है, मुझे नेशनल लेवल का जनरल सेक्रेटरी मेयर एसोसिएशन का बनाया है, और जब उन्होंने हाउस में एड्रेस किया तो मैंने उनसे पूछा कि जो रेजुलेशन हम लोगों ने डाले थे जम्मू की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू के लोगों के जिसका फायदा हो, आपने वो डिलीट क्यों कर दिए। मुद्दा ये था, ये वो जवाब नहीं दे सके, और इतने में हमारे युद्धवीर जी कारपेंटर साहब का भी यही इसी पर बोलने लगे, जब उन्होंने कहा कि आप, मेरा भी रेजुलेशन था, आप लोगों ने उसको भी डिलीट कर दिया, इसका जवाब दीजिए। इतने में इन्होंने एक रेफरेंस दिया कि मोदी जी बाहर अमेरिका में कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और आप लोग जहां लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। उन्होंने मुद्दे को हटाने के लिए मोदी जी का सहारा लेने के बाद वो एकदम सब एक ही बात कहने लगे, इन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, इन्होंने गलत बोला है मोदी के लिए। मेयर साहब ने ऊपर से फैसला कर लिया कि जे हम इनको हाउस से बाहर निकालते हैं। हम सब लोग इनके साथ थे, हमने कहा, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही, फिर भी उन्होंने कहा कि अगर सुनने में आप लोगों को कोई गलती लगी है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बट ये लोग, इनको इस बात का नहीं था, इनको ये था कि अगले जो रेजुलेशन हैं उन पे हम बहस होगी, और ये लोग जिनके रेजुलेशन डिलीट किए हैं उन पे बात करेंगे, उनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स पे हमारा एक रेजुलेशन था कि जब प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू के अंदर यहाँ पे फैसला हुआ था कॉर्पोरेशन में, तो फिर उसको क्यों लगाया गया। हमने कहा कि यहाँ पे हाउस के अंदर वो रेजुलेशन लाया था, जो हाउस पास करे वही टैक्स लगना चाहिए, ना कि इस पर गवर्नमेंट लगाए। इसी को लेकर के बीच में से रसपाल जी थे वहाँ, यशपाल जी शर्मा जी, उन्होंने जुधवीर जी को कह दिया ये खालिस्तानी है, ये कोई बात है। इसी से मुद्दा जो है वो दूसरा रूप भी ले सकता था, लेकिन फिर भी हमें कोशिश की कि हाउस शांत हो, लेकिन इनका अड़ियल रवैया हमारे मेयर साहब का उन्होंने एक नहीं मानी, और हम सबको बाहर आना पड़ा। उन्होंने कहा इसको हम बर्दाश्त करते हैं, इसको हम बर्खास्त करते हैं हाउस से और बाहर निकालते हैं, जबकि हम सब लोगों ने फैसला किया ये अकेले नहीं जाएंगे, हम सब लोग इनके साथ जाएंगे। बात जो थी वो मुद्दे को भड़काने वाली थी। आज बिजली लोगों के घरों में नहीं है, आज पानी की बुरी हालत है शहर के अंदर, आज स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनको दाखिला नहीं मिल रहा है। इन्होंने एक और एंट्रेंस टेस्ट रख दिया है, 1500 रुपये फीस, और बाहर जा कर के टेस्ट दो, वो भी J&K में नहीं हो रहा। स्टेटहुड का मसला था कि ड्यूटी को ख़त्म किया जाए और स्टेटहुड वापस दी जाए। अनएम्प्लॉयमेंट का मसला था, इनको पता था इसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, लेकिन इन्होंने सारे मुद्दे को हटा करके एक ही बात पकड़ ली, जिसका कोई मीनिंग नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उसी लिए हम लोग आज आपके सामने आए हैं। द्वारिका जी, जिस तरह से आपने कहा कि खालिस्तानी कहकर राहुल को